बात करते हैं घरोंडा की, जहां घरोंडा में चोरों लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे दिन दहाड़े चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। चोरों और बदमाशों में पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। शहर के लोगों को पहले रात के समय चोरी की घटनाओं का डर लगा रहता था, लेकिन अब तो दिन दहाड़े ही चोरी की वारदातें हो रही हैं। आपको बता दें कि शहर की न्यू रामनगर कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया और घर में रखी लगभग 9.5 लाख रुपए की नकदी, 15 से 18 तोले सोना और करीब 1.5 लाख की कीमत के अमरीकी डॉलर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कंप्लेंट मिली है हमारे को थाना करोंडा में, करमवीर सनो प्रसूर सिंह जो कक्षीना का रहने वाला है और ये एचपी गैस एजेंसी के नजदीक मकान बना क्या जी। ये करीब दिन में 11 बजे के करीब है, अपने कहीं रिलेटिव है इनका कोई दोस्त, उसकी भोग पर गए हुए थे और 1:30 बजे के करीब आए ये। आने पर इन्होंने देखा कि भाई मकान में ताले टूट रहे हैं और अंदर देखा तो अंदर भी अलमारी खुली हुई पाई, जिन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर उसी टाइम मौके पर पहुंची है, आकर स्थिति देखी जो काफी नुकसान हुआ मालूम हुआ है। क्या नुकसान हुआ? नुकसान है जिसमें पैसे हैं, कुछ जेवरात हैं, कानों की बाड़ी वगैरह हैं। तो एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया गया है जो कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है और इसकी गहनता से जांच की जाएगी। दूसरी तरह व्यक्तियों को इसमें शामिल जांच करके तब तीस अमल मिलाई जाओगी। चोरी किस प्रकार से हुई? चोरी तो जी दिन में कोई ऐसा कोई जिन्होंने पहला पता होगा कि भाई आदमी कहाँ जाते, कहानी देखी की हुई होगी तभी ऐसी भी मालूम होती है जी। हम 11:30 बजे घर से निकले थे, डेथ हो गया जी पड़ोस में जी। वहाँ गए हुए थे सार घर वाले, लोग लगाए गए थे जी जी। तो आ गए 1:30 बजे आए जी, तो मेरे मिशी से और बुआ जी जी सारा सामान बिखरा पड़ा था, मेरे पास फोन गया, मैं 10 बजे रहा जी, वहाँ से आ गया जी, तो आगे देखे सारा बिखरा पड़ा उस फोन। क्या कुछ नुकसान हुआ है? क्या कुछ लगे? 9.5 लाख रुपए था के लगभग कैश था जी। अच्छा जी। और 18 तोड़े लगभग सोना था जी जी। बाकी और बैंक की कॉपी भी देखी नहीं जी, मैं नहीं पता लगा। इसके अलावा भी कोई और 1.5 लाख का डॉलर थे जी, डॉलर भी थे जी। भाई मर्चेंट ने भी जी, चीफ इंजीनियर। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? हाँ, भी गए थे थाने में जी जी। तो पुलिस मौके पे आई? आई जी मौके पे जी। भाई साहब, मेरे पास मेरे भाई का फोन आया लगभग 2:45 बजे, एक भाई चोरी हो गई है जल्दी आ जा जी। तो मैं यहाँ पर पहुंचा तो सामान तो काफी बिगड़ा हुआ था, तो हमने देखा कि भाई क्या चोरी हुई है। तो उसमें चोरी में लगभग 9.5 लाख रुपया कैश था जी। और 18-19 तोड़े सोना था जी। 1.5 लाख के डॉलर थे अमरीकी जी। जो कैश था वो हमारा 32 सेक्टर करनाल में मकान बन रहा है जी। तो उसके लेंटर के लिए अब लगना है, तो उसके सामान के लिए रखे हुए थे कैसे, क्योंकि तो यहाँ भाई जाके वहाँ देखता है जी। जो मेरा छोटा भाई है वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, तो वहाँ पर गया हुआ। कैसे देखते हैं दिन दिहाड़े चोरी होने लग गई अब? ये तो हम प्रशासन को दोष देंगे इस बारे में, क्योंकि काफी चोरियां हो रही है और पुलिस को एक्शन नहीं ले रही है।